बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नाग पंचमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में शिखर के मध्य प्रदेश के स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोले जाते हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर के पूजन के बाद मंदिर में रात से ही श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला लगातार 24 घंटे तक चलता रहता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट वर्ष में एक ही बार नागपंचमी पर खोले जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नाग पंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की महत्वता है। यह महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजित शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति है। मंदिर में शिव का पूरा परिवार एक साथ विराजित है। ऐसी दुर्लभ प्रतिमा विश्व में नागचंद्रेश्वर मंदिर में ही स्थापित है, जिनके दर्शन मात्र से सारे दुखों का निवारण होता है। विश्व की एकमात्र अलौकिक मूर्ति नागचंद्रेश्वर। आपको बता दें कि महाकाल में सिर्फ महाकाल के शिखर पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। जो पूरा शिव परिवार है वो यहाँ पर स्थापित है। ऐसी मूर्ति आपको विश्व में कहीं नहीं और दिखाई देगी। नागचंद्रेश्वर के दर्शन सिर्फ यहाँ पर नागचंद्रेश्वर नागपंचमी के रोज ही किए जाते हैं। 24 घंटे के लिए यहाँ के पट खुले जाते हैं। यहाँ की ऐसी महानता है कि नेपाल से यहाँ मूर्ति लाई गई है और इसमें पूरा शिव परिवार एक साथ मौजूद है। नंदी भी इसमें, जो शिव भगवान की सवारी है, नंदी यहाँ पर मौजूद है। माता की सवारी यहाँ पर, शेर भी उनके साथ में है। गणेश पुत्र गणेश जी भी हैं साथ में, वहीं कार्तिकेय भी यहाँ पर उनके साथ में मौजूद है। पूरा शिव परिवार यहाँ पर एक साथ मौजूद है और उनके दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के दुख दूर हो जाते हैं। नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। करीब लाखों की संख्या में नागचंद्रेश्वर के दर्शन यहाँ पर लोग हर वर्ष करते हैं और उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। उज्जैन से दबंग न्यूज़ के लिए अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट। महत्व तो ये बाबा महाकाल का ऐसा पावन तीर्थ स्थल है, यहाँ के तो कण कण में जर्रे जर्रे में उनकी सत्ता समाहित है। और ये तो अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है कि वर्ष में एक बार वो पट खोले जाते हैं, तो उसकी तो अनंत महिमा है, उसकी अनंत महिमा है। उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक हमने संतों से सुना है, जो भी भक्त भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करता है, उनका पूजन अर्चन करता है, तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उसकी जो भी मनोकामना होती है, सात्विक मनोकामना होती है, जनहित में जो मनोकामना होती है, वो निश्चित रूप से बाबा नागचंद्रेश्वर पूर्ण करते हैं। और किसी भी तरीके का दोष इत्यादि जो होता है वो भी दर्शन मात्र से समाप्त होता है, ऐसी हमारे संतों की मान्यता है। मान्यता है कि मंदिर में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु यहाँ नाग की प्रतिमा पर दूध चढ़ाते हैं। उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर 11वीं शताब्दी के परमाल काल में बना है। नागचंद्रेश्वर के मंदिर में शेष नाग पर विराजित भगवान शिव तथा पार्वती के साथ भगवान गणेश और कार्तिक भी विराजित है। साथ ही शिव और पार्वती माता की सवारी, शेर और नंदी भी मौजूद है। बताया जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। नागपंचमी की रात्रि 12 बजे नागचंद्रेश्वर के पट खुले जाते हैं और परंपरा अनुसार अखाड़े के महंत द्वारा पूजन किया जाता है। इस वर्ष अखाड़े के नए महंत विनित गिरी जी महाराज के द्वारा नागपंचमी पर रात 12 बजे पूजन किया जाएगा। साथ में पुरोहित पंडित द्वारा, कलेक्टर एसपी द्वारा इसकी सरकारी पूजन अर्चन भी करवाया जाता है। इसके बाद से ही सभी गेट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं, जो सतत 24 घंटे के लिए पट खुले रहते हैं। भगवान महाकाल के दरबार में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है। नागपंचमी पर खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु लाखों की संख्या में दर्शन करने देश विदेश से पहुंचते हैं। कोरोना काल में पहली बार सिर्फ LED के माध्यम से नागचंद्रेश्वर के दर्शन श्रद्धालु को कराए जाएंगे। जैसा कि मैंने सुना कि इस मंदिर की स्थापना राजा भोज ने 1050 में यानी कि 11वीं शताब्दी में कराया था, तो उसी समय विग्रह की भी स्थापना हुई। ऐसा कहते हैं कि नेपाल से विग्रह लाया गया। कुछ संतों ने ये भी कहा
कि ये जो पन्ना एक रत्न होता है उसका ऊपरी जो भाग होता है पाषाण का, उससे उस विग्रह का निर्माण हुआ आदि आदि बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं। लेकिन मूल रूप से भगवान का जो विग्रह है ये सर्वपूज्य है, सर्वमान्य है और पूरे विश्व में मात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इस तरह का विग्रह स्थापित है, जहाँ पर भगवान शिव का पूरा परिवार, भगवान शिव का पूरा परिवार शेष सैया के ऊपर एक तरीके से आपने दर्शन किए होंगे, तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक विग्रह ये माना जाता है। तो इसलिए सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी परंपराओं को भी हमें जीवित रखना है और अपने समाज को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से मेरा यही निवेदन है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर के दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी LED के माध्यम से दर्शन करें, लेकिन जो भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं कोविड से बचाव के लिए उनका पालन करते हुए, उस चीज़ को हमें नहीं भूलना है। मास्क का प्रयोग हमें अवश्य करना है, अपने आप को हमें इस कोविड से सुरक्षित रखना है। बाकी बाबा कृपा करेंगे, आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। ओम शांति शांति शांति। उज्जैन से अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट।